हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आपका बच्चा 0 से 3 साल की, अक्सर की आप देखे होंगे कि आपके बच्चे के कान में अक्सर की खुजली की, इरिटेशन की हमेशा दिक्कत बनी रहती, बच्चा अक्सर की कान को खींचते रहता है, कान में उंगली करते रहता है, तो उसके क्या क्या कारण होते हैं और इसके लिए हमें क्या चीज़ें करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि आप अपने बच्चे के कान की क्लीनिंग कैसे घरेलू तरीके से और आसानी से सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं, ये भी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब आपका बच्चा छोटा होता है तो उसमें कई सारे ऐसे रीजंस होते हैं कि बच्चे को कान में अक्सर इरिटेशन, खुजली टाइप की प्रॉब्लम होती रहती है और बच्चे कान को खींचते रहते हैं। क्या होता है कि जब आपका बच्चा ब्रश फीड कर रहा होता है तो अक्सर की शुरुआती दौर में जो दूध होता है वो किसी न किसी तरीके से बच्चे के होंठ के आसपास, कान के आसपास के एरिया में, इनफैक्ट अंदर भी वो चले जाता है और जमने लगता है, लेयर सी जम जाती है दूध की। अगर आप सही से क्लीनिंग नहीं करते हो, साफ सफाई नहीं करते हो, तो एक लेयर सी जम जाती है जिसके कारण कि बच्चे को अक्सर की खुजली की और इचिंग की दिक्कत होती रहती है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को एक्जिमा से रिलेटेड यानी कि रेड रैशेज हैं और पस है, कुछ दाना है, तो उस वजह से भी बच्चे के कान में खुजली, इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उस चीज़ का इलाज कराना चाहिए। नेक्स्ट रीज़न ये होता है कि कभी कदार क्या होता है कि आपके बच्चे के कान के आसपास के जो बाल होते हैं, अगर आपके बच्चे के कान के आसपास के बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं और कड़े हैं तो वो अक्सर के कान के अंदर वाले एरिया को अगर छूते हैं तो उससे भी बच्चे को इरिटेशन और खुजली की प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट रीज़न ये होता है कि गर्मी के दिनों में जो पसीना होता है अक्सर के बच्चों के कान के अंदर जाता रहता है, क्योंकि वो साफ़ सफाई अपने आप तो कर नहीं पाते, जो भी करना है एज अ पेरेंट्स आपको ही करना है, तो इस वजह से बच्चे के कान के आसपास जो होता है कुछ गंदगी टाइप की जमने लगती है, पसीना पसीने से जो भी गंदगी वगैरह जमने लगती है उससे बच्चे को इरिटेशन होती है। इसके अलावा अगर आपके बच्चे की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, रफ़ है, तो उस वजह से भी कान के आसपास का जो एरिया होता है वहाँ कुछ रुखा रुखे से स्किन निकलती रहती है जो कि बच्चे के कान के अंदर जाती है, उसके कारण भी बच्चे के कान में खुजली की प्रॉब्लम अक्सर बनी रहती है। नेक्स्ट रीज़न ये भी होता है कि जब कोल्ड आपके बच्चे को हो जाता है तो जो कफ होता है, जो बलगम वगैरह होता है, वो नाक, कान, ये सब जगहों पर जमता है, इस कारण से भी बच्चे के कान में खुजली की प्रॉब्लम होती है। बच्चा अक्सर की कोल्ड, जब आपने देखा होगा कि बच्चे को जब सर्दी जुकाम होती है तो अक्सर के बच्चे कान में उंगली ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट रीज़न ये भी होता है कि आपके बच्चे के बाल में डैंड्रफ है, कुछ पपड़ी वगैरह की प्रॉब्लम है जो कि अक्सर की बच्चे के कानों पे झड़ रही है और वो किसी न किसी तरीके से अंदर भी जा रही है, तो वो भी एक रीज़न होता है कि बच्चे को कान में इरिटेशन होगी, बच्चे को कान में खुजली की प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा कभी कदर क्या होता है कि चींटी वगैरह, जो महीन कीड़े वगैरह, पतंगे वगैरह होते हैं, कभी कभी बच्चे के कान में घुस जाते हैं जिसके कारण काफ़ी दिनों तक, काफ़ी समय तक, काफ़ी घंटों तक बच्चे को इरिटेट करते रहते हैं, वो भी कभी कभी रीज़न हो जाता है बच्चे के कान में खुजली करने का। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जो कि बच्चे के कान में खुजली और इरिटेशन का कारण बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बच्चे के कान की साफ सफाई से रिलेटेड हैं, यानी कि आप अपने बच्चे के कान को जितना साफ रखोगे आपके बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा और भी जो चीज़ें मैंने बताई उस पर आप सावधानी बरतें, उस पर आपको क्या एक्शन लेना चाहिए वो चीज़ें आप करें। अगर पस वगैरह है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसका ट्रीटमेंट कराएं, उसके लिए मेडिसिन ट्यूब वगैरह लगाएं। बाल अगर बड़े हो गए हैं तो उसको कट करा दें उस जगह पे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है, एज अ पेरेंट्स आपको केयरफुली अपने बच्चे की इन प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। नेक्स्ट आपको ये करना है कि बच्चे की क्लीनिंग, कान की क्लीनिंग कैसे करें। ये बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि उन्हें डर लगता है कि तीली में रुई वगैरह लगा करके बच्चे के कान को साफ नहीं करना चाहते, वो डरते हैं कि कहीं बच्चे के कान के पर्दे पर इफेक्ट ना आए। वो अपनी तरफ से बिल्कुल सही हैं कि इस तरीके से बच्चे के कान को, जब तक कि बच्चा काफ़ी ज़्यादा छोटा है, बिल्कुल भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ना ही किसी औजार से, ना ही किसी तीली, माचिस, किसी भी चीज़ से बच्चे को इस तरीके से साफ नहीं करना चाहिए। आपको सिंपल सा मेथड मैं आपको बताती हूँ जो कि आपको करना चाहिए, जो कि हमने भी अपने बच्चों के साथ किया है। आपको क्या करना है, रात में सोने से पहले कान में 2 से 3 बूंद जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल होता है, उसकी बूंदें आपको बच्चे के कान में डाल देना है और बच्चे को सोने देना है। सुबह उठना है और थोड़ा सा हल्का सा इस जगह पे आपको उंगली रख करके हल्का सा शेक करना है। जब आप इस जगह पे हल्के हाथों से शेक करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथों से शेक करके आपको, आप देखोगे जो गंदगी होगी ना वो खुद अपने आप बाहर निकल
स्मेल आएगी, तो आपको कॉटन के कपड़े से या कॉटन से क्लीन कर देना है। सिंपल सा ये काम करना है। दूसरा तरीका आपको ये करना है कि जब आपका बच्चा नहा लेता है, नहाने के बाद आप देखोगे कि कान के आसपास का एरिया जो भी रहता है, जो भी गंदगी रहती है, वो काफ़ी आसानी से आप किसी भी कॉटन के कपड़े से साफ कर सकती हो। तो उसी टाइम पे आपको क्या करना है कि जो कॉटन का टॉवल होता है वो थोड़ा सा जो कॉर्नर वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा नुकीला होता है, उसको नोक बना करके, उसको नुकीले को नोक बना करके कॉटन की जो टॉवल है उसको आपको कान में डालना है और आराम से उसको थोड़ा सा राउंड करना है। जो भी गंदगी होगी, जो भी साबुन वगैरह होगा, वो आसानी से साफ हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल मेथड है कान की क्लीनिंग करने का बच्चे को, और ये बिल्कुल सुरक्षित तरीका है। इसके अलावा आपको कोई भी और नया तरीका अपनाना नहीं है जब तक कि आपका बच्चा काफ़ी छोटा है। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ रीजंस थे कान में खुजली करने के और कैसे आपको क्लीन करना, ये दोनों ही चीजें मैंने बता दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर लीजिए। आप लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लाइक नहीं करते, तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। इसी तरीके की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।